हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त पंकज, और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो होने वाली है मेरठ गढ़ नेशनल हाईवे के बारे में। तो मेरठ गढ़ रोड को चौड़ा किया जा रहा है, और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अभी हूँ मैं गढ़ रोड के सिसोली गाँव के पास में, और यहाँ से ही स्टार्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी मेरठ गढ़ नेशनल हाईवे की, जो कि 4 लेन होने वाला है और आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। क्योंकि अब से पहले जो रोड थी वो सिंगल लेन रोड थी, एक ही रोड पर दोनों तरफ के वाहन आते जाते थे और एक्सीडेंट के चांस भी रात में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब ये आने वाले कुछ ही टाइम में 4 लेन होने वाला है। काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी अभी बाकी है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ में काम हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अभी जो आप साइडों में देखोगे कि रोड को थोड़ा थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है मिट्टी वगैरह डालकर। अभी इस टाइम पे इस रोड पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है इसके एक्सपेंशन का। बाकी ये जो अभी सामने गांव आ रहा है, ये है सिसोली गांव गढ़ रोड, और यहीं से आपको मेरठ गढ़ नेशनल हाईवे का काम आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जिस रोड पे हैं हम, वो ये पुरानी रोड है, इसी रोड पर दोनों तरफ के वाहन आना जाना करते हैं। लेकिन अब अभी देखोगे कि साइडों में यहाँ पर जो पेड़ वगैरह थे वे भी काट दिए गए हैं, और साथ ही साथ मिट्टी डालकर रोड को चौड़ा किया जा रहा है। अभी आगे कई जगहों पर रोड को चौड़ा कर भी दिया गया है, और वहाँ पर रोड भी बन गई है। जैसा कि आप देखोगे कि यहां से रोड, कुछ रोड बन चुकी है। ये है भगवानपुर गांव के लिए रास्ता, और यहां आप देखोगे कि ये दोनों साइडों में अभी काम भी चल रहा है, मिट्टी डाल के उस पे रोड़ी वगैरह भी डाल दी गई है, और बीच में अभी आप जहां हम चल रहे हैं यहां पर एक अच्छी सी रोड बना दी गई है। तो ये 4 लेन हाईवे होने वाला है, और साथ ही साथ जो सर्विस लाइन है वो सर्विस रोड है, वो भी होने वाली है। और आगे कई कई जगह पे फ्लाईओवर भी हैं, और कई गांवों को क्रॉस करके खेतों के रास्ते आगे ये हाईवे बढ़ने वाला है। कुछ जगहों पर इसी रोड को चौड़ा किया जा रहा है, और कुछ जगह पर इस हाईवे को नया बनाया जा रहा है खेतों के रास्ते। जैसा कि सबसे पहले गांव पड़ता है हसनपुर, उस गांव के बीच से ना जाके उस गांव के खेतों की तरफ से ये हाईवे गुजरने वाला है। और बहुत जगह पर अंडरपास भी दिए गए हैं, और कई जगह पर फ्लाईओवर का भी काम यहाँ पर चल रहा है। अभी ये आप रोड देख पा रहे हो, दोनों साइडों में अभी सर्विस लाइन वगैरह का भी काम चल रहा है, और ये बीच में रोड बना दी गई है। एक साइड की कह सकते हो कि एक साइड की रोड बना दी गई है, अभी दूसरी साइड काम अभी बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की क्वालिटी से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी वीडियो बनाकर आ गया, और उसके बाद में मुझे पता चला कि क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी वजह से मैं इस वीडियो को डालना नहीं चाहता था, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, शूट करने में, उसके बाद में वॉइस ओवर वगैरह करने में। तो इस वीडियो की क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आगे से वीडियोज़ आपको अच्छी क्वालिटी में मिलने वाली है। अभी पहुँच चुके हैं मऊखास, और मऊखास के बाद में काली नदी आती है, तो उस पर भी पुल बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे हम मऊखास को क्रॉस करेंगे तो आपको दोनों साइडों में यहाँ भी काम होते हुए दिखाई देगा। जो पीछे रोड बन गई थी, लेकिन अब यहाँ पर रोड अभी नहीं बनी है, मिट्टी डालकर रोड को चौड़ा किया जा रहा है, और लेवलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है।
बाकी जैसा कि आप सामने देख रहे हो वहां पर फ्लाईओवर पुल का निर्माण होगा जो काली नदी है उसके ऊपर। एक साइड का पुल अभी लगभग 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 बन चुका है और दूसरी साइड का अभी जो पुरानी रोड थी उसी रोड पे हम आना जाना सभी लोगों का चल रहा है। दोनों साइडों में आप देखोगे कि मिट्टी वगैरह डाल दी गई है और ये आपको देखेगा नदी के ऊपर पुल। तो एक साइड का पुल बना दिया गया, अभी दूसरी साइड का भी काम बाकी है और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे उसके बाद भी काफी काम मेरठ गढ़ हाईवे पे हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे यहाँ भी मिट्टी डाल के चौड़ा किया जा रहा है और लेवलिंग का काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी तेज़ी के साथ में इस हाईवे पे काम किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही समय में ये आपको बनकर तैयार मिलेगा और लोगों को जाने के आने जाने में बहुत ही सुविधा होने वाली है। लेकिन इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मेरठ और गढ़ रोड पर, क्योंकि काफ़ी जगहों पर मोस्टली जगहों पर इसी हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है और कुछ जगहों पर खेतों के रास्ते नया भी बनाया जा रहा है, लेकिन जहां जहां पर ये इसी रोड को चौड़ा किया जा रहा है वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी परेशानी तो झेलने के लिए झेलनी पड़ेगी ही। और अभी फिलहाल आगे आने वाला है भट्टीपुरा और भट्टीपुरा के लिए अंडरपास वहाँ बनेगा और फ्लाईओवर के थ्रू आगे सीधे निकल जाएंगे और सर्विस रोड से हम भट्टीपुरा के लिए जाएंगे। और अगर आप यहां भी देखोगे तो यहां ये रोड बन चुकी है और साइड में सर्विस रोड है और सामने यहां से स्टार्ट हो जाता है फ्लाईओवर का काम भट्टीपुरा के अंडरपास के लिए। अभी सर्विस रोड ही यूज की जा रही है लोगों के आने जाने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर अपने गांव का नाम बताना, या आप शहर से देख रहे हैं तो अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और बाकी आपका कोई भी सजेशन हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपका कोई भी सजेशन, या आगे आने वाले टाइम में आप कहां की वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। और यहाँ आप अगर साइड में देखोगे तो अंडरपास का काम स्टार्ट हो चुका है भट्टीपुरा के बिल्कुल बाहर, स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, पाइप वगैरह लगा कर उसके बाद में इस अंडरपास का काम होगा और आगे यहाँ तक फ्लाईओवर ही होने वाला है। बाकी बढ़ते आगे, अभी सर्विस रोड ही काम में ली जा रही है आने जाने वाले लोगों के लिए। और जैसे ही ये फ्लाईओवर का एरिया खत्म होगा उससे आगे भी रोड बना दी गई है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वीडियो की क्वालिटी से तो आपको जरूर करना पड़ेगा। यहाँ अगर देखोगे तो दोनों साइड की रोड कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आगे जाके फ्लाईओवर की वजह से वो एक ही साइड में सर्विस रोड का यूज किया जा रहा है आने जाने वाले लोगों के लिए। बाकी आगे आता है गांव हसनपुर और हसनपुर के खेतों के बीच से ये हाईवे गुजरने वाला है तो वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि कितना काम हुआ है। बीच में कई जगह अंडरपास भी दिए गए हैं और वो फिर आगे जाके मिलता है इसी गढ़ रोड से माछरा में जाके। तो अभी हमने गढ़ रोड को छोड़ दिया, जो पुरानी वाली गढ़ रोड थी उसको छोड़ दिया और उसके साइड से हम फ्लाईओवर के यानी कि इस हाईवे के साथ साथ चल रहे हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी आप देख सकते हो कि धूल मिट्टियों से गुजरते हो और कच्चे रास्तों से, अभी यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ भी एक अंडरपास के लिए फ्लाईओवर का काम हो रहा है और मिट्टी वगैरह डाल के लेवलिंग का काम भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी हम ये जो सर्विस रोड होने वाली है सर्विस रोड से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। We'll be right back.
गांव आने वाला ये माछरा, तो यहाँ पे आके वापस से ये गढ़ रोड पर मिलने वाला है। तो ये अंडरपास बन रहा है माछरा के लिए। तो अभी जो सामने आप देख पा रहे हो ये है अंडरपास माछरा गांव के लिए। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर घूमकर ये आकर वापस से गढ़ रोड पर मिलने वाला है। पीछे वाला गांव, दो तीन गांव इसने क्रॉस कर दिया खेतों के रास्ते से, तो उनके बाहर बाहर ये निकल जाता है। बाकी फिर बढ़ते हैं आगे। अभी हम वापस से जो हमारी पुरानी रोड थी उसी रोड पर आ चुके हैं, और मेरे साइड में देखोगे आप तो ये जो हमारी पुरानी रोड थी ये सर्विस रोड का काम करने वाली है, और मेरे साइड में ये बन रहा है मेरठ गढ़ हाईवे। अभी हम पहुंचे हैं गांव गढ़ रोड पर पड़ता है एक नंगली, तो वहां हम पहुंचे और यहां से ही ये गढ़ रोड को छोड़कर वापस से बाहर बाहर निकलने वाला है। आगे जाके जो किठोर वगैरह पड़ने वाले हैं तो उससे पहले ही ये क्रॉस हो जाता है बाहर, इस रोड को छोड़ देता है, और बाकी बाहर बाहर ये सांझापुर के बाद में निकलने वाला है। तो अभी उधर जान, अभी सामने जो देखोगे तो यहां से ये फ्लाईओवर के थ्रू, और ये जो आप ऊपर पिलर वगैरह देख पा रहे हो यहां से ये हमारे गढ़ रोड को छोड़कर साइड से गुजर जाता है, और आने वाले आगे के किठोर वगैरह उनके बाहर बाहर ये आगे जाके वापस से इसी गढ़ रोड पर मिल जाता है। तो यहां आकर ये वापस से पुरानी वाली गढ़ रोड में मिल जाता है, और इसी रोड का यहां पर एक्सपेंशन किया जा रहा है, यहां पर चौड़ा किया जा रहा है रोड को। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहां से ये गढ़ रोड को छोड़कर हमारे राइट साइड में घूम जाता है। अभी गढ़ की नहर आई नहीं है, उससे पहले ही ये हमारे राइट साइड में घूम जाता है। तो सीधा ये डायरेक्ट गढ़ के अंदर नहीं जाने वाला, बाकी के हाईवे से मिलने के लिए ये राइट साइड में चला जाता है। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।